हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। एक और लर्निंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो SBI और ICICI बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके ये बनाई है। तो ये कैसे वर्कआउट होती है ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो ट्रेडिंग फैब है इसके बारे में एक क्विकली इंट्रो दे देता हूँ जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। हम रोज सुबह एक वीडियो पब्लिश करते हैं निफ्टी इंट्राडे लेवल्स के बारे में। सुबह अराउंड 8:30 AM के आसपास ये पब्लिश होता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करते हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर हर रोज सुबह उसके नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है। तो ये काफ़ी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है ट्रेडिंग करते वक्त निफ्टी में। तो शुरू करते हैं पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। एक्चुअली जो ये वीडियो देखते हैं वो काफ़ी फ्रेशर्स भी होते हैं, एक्सपीरियंस बंदे भी होते हैं। तो फ्रेशर्स स्टॉक मार्केट में जो नए हैं उन्हें भी ये आसानी से पता चले कि ये पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है फाइन टू कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वेरी वेल कोरिलेटेड, यानी ऐसी दो कंपनीज जिनका सेक्टर सेम हो। आप या फिर ऑटो इंडस्ट्री में से दो कंपनीज ले सकते हैं, बैंकिंग में से दो कंपनीज ले सकते हैं, या फिर फार्मा IT। तो उनका सेक्टर सेम होने से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है उस सेक्टर के बारे में तो उन दो कंपनीज का जो प्राइस बिहेवियर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है सिमिलर मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विथ सिमिलर लॉट साइज। उन दो कंपनियों का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो उनका मंथ सेम होना चाहिए और उनका लॉट साइज भी सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि जब ये न्यूट्रल न्यूट्रल बिहेवियर करते हैं तभी हम इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट में आते हैं। और थर्ड है बाय द अंडर वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल द ओवर वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट। जो प्राइस जिस कंपनी की प्राइस अंडर वैल्यू है उसे बाय करना है और जो ओवर वैल्यूड है इसमें सेल करना है। तो कॉन्ट्रा पोजिशन इसमें हमें बनाना है, ठीक है। देखिए इसमें आपको कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना होता है, ना ही आपको ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इसे फॉलो करना है, ठीक है। तो देखते हैं ये स्ट्रैटेजी SBI और ICICI बैंक की स्ट्रैटेजी कैसे वर्कआउट होती है ये देखते हैं। हमने यहाँ पर एक एक्सेल फाइल बनाया हुआ है जिसमें हमने SBI का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2019 का और ICICI बैंक का जनवरी 2019 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। ये डेटा कहाँ से मिलेगा? तो NSCIndia.com का ये जो वेबसाइट है इसमें लाइव मार्केट में जब आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसका डेटा मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेना है और एक्सपायरी डेट यानी कौन से मंथ का आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो सिलेक्ट करना है। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर आ जाएगा और कितना पास्ट का आपको डेटा चाहिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पर वो डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको और भी किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करना हो, कोई नई पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बननी हो FMCG IT सेक्टर में से, तो आप यहाँ से वो डेटा ले सकते हैं और आपका रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं, नया पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो यहाँ से आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो चलते हैं एक्सेल फाइल के ऊपर। तो यहाँ पर हमने वो ओपन हाई लो और क्लोज का डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके लिया है। दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट 27 दिसंबर 2018 को ख़त्म होता है और वहाँ से जनवरी 2019 का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होता है। तो अगर हम सेल करेंगे SBI का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2019 का, अगर हम सेल करेंगे 28 दिसंबर को, तो उसके नेक्स्ट डे यानी 31 दिसंबर को हमें यहाँ पर 14,400 का लॉस दिखाई देता है। लॉट साइज है SBI का 3,000 और ICICI बैंक का लॉट साइज है 2750, ठीक है। यानी एक लॉट लेंगे तो 3000 क्वांटिटीज और ICICI बैंक का एक लॉट लेंगे तो 2750 क्वांटिटीज। तो ICICI बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हम बाय करेंगे और SBI का कॉन्ट्रैक्ट हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं, ये SBI का डेली प्रॉफिट और लॉस हमें यहाँ पर शो करता है और ये कॉलम हमें ICICI बैंक का डेली प्रॉफिट और लॉस कॉलम हमें शो कर रहा है। और ये जो
टोटल डेली प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम है, ये हमें उस दिन का टोटल ओवरऑल आईसीआईसीआई और एसबीआई इन दोनों को मिलाकर क्या होता है उस दिन प्रॉफिट और लॉस, ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने सेल किया एसबीआई का तो लगातार 21 जनवरी ये लॉस में था, लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखे वो हमने बाय किया था 259.8, ये ओपन प्राइस है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर हमने अगर बाय करते तो उसके बाद ये कंटिन्यूस प्रॉफिट में है। तो ऐसे हर एक दिन का प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो एसबीआई में हम कंटिन्यूस 21 जनवरी 2019 तक अगर लॉस में है, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक जो हमने बाय किया है यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल उस दिन हम प्रॉफिट में थे। भले अगर आप यहाँ पर देखें 9 जनवरी को 42,450 का यहाँ पर लॉस दिखा रहा है, लेकिन उसी दिन आईसीआईसीआई बैंक में हमें 62,150 का हमें प्रॉफिट था। तो ओवरऑल उस दिन हमें 19,700 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो लगभग आज 24 जनवरी 2019 है, यहाँ पर एसबीआई में भी प्रॉफिट दिखा रहा है और आईसीआईसीआई बैंक में भी 24,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ओवरऑल डेली प्रॉफिट 46,800 का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये है पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की स्ट्रेंथ। अगर आप सही दो कंपनीज चूज करते हैं सिमिलर प्राइस बिहेवियर का, तो आपको ऐसा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो ये है एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक की पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये डेटा लेकर ये एनालिसिस किया है। अगर आप चाहे तो और भी एक नेक्स्ट मंथ ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा। और भी कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ से आप दो कंपनीज जो कि सिमिलर कोरिलेटेड हैं ऐसे दो कंपनीज को रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और आपकी पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में प्राइस पैटर्न जो है दो कंपनीज का न्यूट्रल बिहेव करने लगता है, तब हमें प्रॉफिट दिखाई देता है और इसमें लॉस होने के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्ट्रा पोजिशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से आप भी रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, दो कंपनीज का पेयर बना सकते हैं और एनालिसिस करने के बाद आप इसे लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।